नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। दोस्तों आज हम आपके एक बड़े ही जबरदस्त इवेंट पे लेके आए हैं जिसका नाम है मिसेस इंडिया मार्वल मिसेस इंडिया 2024। और सबसे मजे की बात यह है कि इस पूरे इवेंट को डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर जो इसके फाउंडर हैं वो इसको कर रहे हैं। और बड़ा ही बहुत बढ़िया आप देख सकते हैं इधर बहुत बढ़िया एक आलीशान ही कहूँगा मैं इसको, एक बढ़िया जबरदस्त एक इवेंट यहाँ पे हो रहा है। इस इवेंट में बहुत बढ़ चढ़कर महिलाओं ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा है। और क्या ये प्रोग्राम की भूमिका है और किस लिए ये प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि आप नाम से समझ गए होंगे कि एक फैशन का जो है एक प्रोग्राम है और फैशन जगत से जुड़ा हुआ है और बहुत सारे मॉडल्स और बहुत सारी महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। और क्या क्या उनकी रूपरेखा है, क्या सोचकर वो आज इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं और यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली महिलाओं को आज किस तरीके से वो क्या जीतने वाली हैं, वो सब चीज़ों की हम आपको जानकारी देंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि आज हमारे साथ लगातार आप बने रहें और महिलाओं के साथ महिलाओं सम्मान से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें वो हम आपको आज दिखाएंगे कि महिलाएं कैसे बढ़ चढ़ कर हमारे देश को आगे बढ़ाने में जुड़ी हुई हैं। और जो डॉक्टर अदिति हैं वो उनकी क्या भूमिका है इन सब चीज़ों को लेके, उनसे भी आपको मिलवाएंगे और कई गणमान्य लोग यहाँ मौजूद हैं उन सब से मिलवाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और हम आपको दिखाएंगे इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई तमाम खबरें। और मैं ये चाहूँगा कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आएँ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। परिचय जानना चाहेंगे जी। माय नेम इज सुनीता डिया, आई एम अ डॉक्टर डांसर एंड अ मदर टू 3-year-old सन। आई एम फ्रॉम राजस्थान बट आई हैव बीन लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर लास्ट 10 years। इंसानों का इलाज करते करते फैशन की दुनिया में आने का या कोई प्रेरणा थी या कुछ प्री प्लान था या आने का कुछ योजना बना रखी थी पहले से? ऐसी कोई योजना नहीं बना रखी थी या प्लान नहीं था, बट जब डॉक्टर अदिति ने ये लॉन्च किया था मार्वलस मिसेस इंडिया तो आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आई वांटेड टू एक्सपीरियंस द ट्रांसफॉर्मेशन दैट शी प्रॉमिस्ड अस व्हेन वी साइंड अप एंड इट वाज डेफिनेटली डिलीवर्ड। थैंक यू। आज आप फर्स्ट आए हैं तो किसका धन्यवाद करना चाहते हैं, फैमिली का या कोई फ्रेंड्स का, किसका? सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड का धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि उनकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। वो घर पे हैं और मेरे 3 साल के बेटे का ध्यान रख रहे हैं एंड उसकी वजह से मैं वो सब कुछ कर पाती हूँ। उसके बाद मैं डॉक्टर अदिति का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा मैरिड वेमेन के लिए एक पैजेंट लॉन्च किया और हम सबको हमारे करियर और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और काफ़ी कुछ सीखने का मौका भी मिला। सो थैंक यू सो मच मार्वलस मिसेस इंडिया टीम एंड डॉक्टर अदिति को। वही से आई है और आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आपने जो संघर्ष किया था उसमें सफलता भी मिली, तो इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहिए? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं सफलता का क्रेडिट देना चाहूँगी मिस डॉक्टर अदिति को। डॉक्टर अदिति के वजह से ये सब हुआ है, उसके बिना ये सब नहीं होता। वेरी लवली प्लेटफॉर्म, वेरी एम्पावरिंग एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट वॉज द MMI टीम, ऑल द मेंटर्स हु गेव अस वेरी ब्यूटीफुल ट्रेनिंग सेशंस एंड अबव ऑल माई फैमिली, माई मॉम, माई डैड,
माय सन एंड माय हस्बैंड। थैंक यू। इस शो को लेके कैसा एक्सपीरियंस रहा? इस शो को लेके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इट वाज एन MMI फैमिली, पूरी फैमिली बन गई थी हमारी, एंड हर एक टाइम हम साथ में थे, एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे। कॉम्पिटिशन हमारा खुद से था, इट वॉज नॉट विद ईच अदर बट विद एंड एवरीबडी वर्क हार्ड फॉर इट। आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट। छाटवा है और मैं मुंबई से हूँ। इतनी दूर से आप आए, पहले तो ये बताइए दिल्ली की ठंड कैसी है? कैसी लगी? बहुत ज़्यादा ठंड है जी। हम मुंबई वालों को यूज टू नहीं है ये इतनी ठंड से, बट दिस इज वेरी कोल्ड। अच्छा, दिल्ली के आज का शो का एक्सपीरियंस कैसा रहा और किसका धन्यवाद करना चाहती है? क्योंकि थर्ड आप आई है और बड़ा संघर्ष आपने किया है, घरेलू महिला होने के बावजूद भी आपने जो एक मिसाल दी है महिलाओं के नाम की, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पर अगर भरोसा है तो आप कोई भी माउंटेंस क्रॉस कर सकते, माउंटेंस चढ़ सकते हो, रिवर्स क्रॉस कर सकते हो, जो मन लगाओगे जहाँ पे भी, इफ़ यू पुट योर हार्ट एंड माइंड टू समथिंग यू विल बी एबल टू अचीव दैट। मैम, डॉक्टर अदिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर अदिति को मैं स्पेशल थैंक यू कहूँगी, जो हमारे जैसे वुमेन को ये प्लेटफॉर्म देती हैं, जो हम आकर अपना वॉइस करके हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं और वर्ल्ड को चेंज करने में हम थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैम, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये सभी सुनते हैं और लोग कहते हैं, बट इस पर किस तरीके से अमल किया जाता है? क्योंकि अमल तो होता नहीं है, तो आपको क्या लगता है कैसे इसको बढ़ावा दिया जाए? अमल तो हो रहा है, क्योंकि बढ़ेगा इंडिया तो ही पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया, तो अमल तो डेफिनेटली हो रहा है। हम शुरू कर सकते हैं अच्छे टीचर्स लाने के लिए और एजुकेशन थोड़ा ज़्यादा फ्री एंड कंपलसरी करने के लिए, तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड स्टार्ट एंड आई थिंक वी आर ऑलरेडी ऑन द राइट। जिस कुर्सी पे आप बैठे थे बड़ी दुविधा वाली कुर्सी थी और आपने न्याय भी निष्पक्ष होकर करा, मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? आज का जो फैशन शो है, घरेलू महिलाओं को जिस तरीके से मजबूत किया जा रहा है, उनकी प्रतिभाओं को निखारा जा रहा है, डॉक्टर अदिति जी ने जो सूत्रधार भूमिका निभाई है, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो आप यहाँ हमारे साथ हैं, पहली बात तो ये फैशन शो नहीं था, ये एक पर्सनैलिटी पैजेंट, पर्सनैलिटी ब्यूटी पैजेंट, जहाँ पर औरतों की आंतरिक खूबसूरती को निखारा जाता है, उनकी सच्चाई को परखा जाता है और उनको सक्षम बनाया जाता है। और सारी औरतें जो यहाँ थी उनकी क्षमता इतनी अच्छी थी कि वो ग्लोबल स्थान पर हिंदुस्तान नारी के तौर पे एक लीडर बन सके और मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ सके। इस फैशन शो का क्या असर पड़ता है समाज पर? ये जो पर्सनालिटी ब्यूटी पैजेंट है उसमें जो हमारी छवि, हमारी प्रतिभा जो बाहर निकल के आती है कि औरत भी मर्दों से कुछ कम नहीं होती, वो मर्दों से ज़्यादा ही होती है। औरत सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है या घर गृहस्थी चलाने की फैक्ट्री नहीं है। औरतें लीडर्स बन सकती हैं, औरतें क्रिएटिव बन सकती हैं, आर्टिस्ट बन सकती हैं और औरतों की दृष्टि के अनुसार सारा देश और सारी सृष्टि चल सकती है। मैं क्रॉसरोड्स को रिप्रेजेंट करता हूँ, आई एम द बिजनेस हेड ऑफ क्रॉसरोड्स वेन्यूज। वी मतलब हम लोग ये जर्नी, वी आर हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। ये मार्वेलस मिसेज इंडिया इज़ अ गुड आई मीन वेलकमिंग थिंग दैट हैज़ कम अप एंड वी एक्सपेक्ट एंड वी विश मार्वेलस मिसेज इंडिया टू बिकम अ बिग सक्सेस। चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आज का शो तो सक्सेसफुल रहा। डॉक्टर अदिति जी के लिए क्या संदेश है? एंड शी इज़ एन यू नो इंस्पिरेशन टू अ लॉट ऑफ वुमेन एंड इन्होंने जो ये पेजेंट अभी शुरू किया है, एंड आई विश हर ऑल द सक्सेस फॉर दैट। आज की इवनिंग, यस इट्स अ वेरी सक्सेसफुल इवनिंग एंड ऑल दिस वुमेन आउट देयर आर यू नो गिविंग अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन टू ऑल द वुमेन आउट देयर इन द वर्ल्ड, यू नो। सो बहुत अच्छी बात है दैट ऑल दीज वुमेन दैट आर कमिंग फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स एंड आर गिविंग एन इंस्पिरेशन टू यू नो। I'm from Mumbai. I came to Marvelous Mrs. India to unlock my inner confidence, to discover myself. And the experience was totally amazing with Dr. Aditi Govardhikar and team. They have done a fabulous job. I'm deeply grateful to her for everything she has given us. Thank you. बहुत ही बेहतरीन रहा। सारे ही कंटेस्टेंट को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला है इस शो के द्वारा
और मुझे लगता है इस तरह के शो में हम लोग एक डेवलपमेंट होता है इमोशनल, मेंटल और सोशल तरीके से. तो ये शो बहुत ही अच्छा रहा है और बहुत ही कामयाब रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त के लिए ये और भी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. मैम, डॉक्टर अदिति के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने सारा कुछ ऑर्गेनाइज किया? बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है डॉक्टर अदिति, और मुझे लगता है कि बेहतरीन इंसान है. हम लोगों के शुरू से लेकर आखिरी तक हर सवालों का जवाब उनके पास था. कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने उनसे कुछ भी पूछा हो और वो कितनी भी थकी हुई हो, लेकिन वो हमेशा उसका आंसर देती थी. और हम लोगों को उन्होंने बहुत सिखाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया है. तो ये जर्नी बहुत ही अच्छी है और मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए. बहुत ही अच्छे इंसान. मैम, सबसे पहले मैं आप तीनों का परिचय जानना चाहूँगा. क्या नाम है और कहाँ से आप आए? मेरा नाम निवेदिता है और मैं मुंबई से आई हूँ. जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कहना चाहिए? बहुत ही बढ़िया. जो भी हमें पहले से कहा गया था मार्वेलस मिसेस इंडिया में जो हमको दिया जाएगा वो एब्सोल्युटली वैसे का वैसा दिया गया, और मेरे लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस रहा है. आई एम वेरी हैप्पी विद इट. देवी, आपकी चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि जो आपने अपेक्षा रखी थी वो लगभग पूरी हो गई. कहाँ से आया और क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोनिका दत्त है, मैं मुंबई से आई हूँ. बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ और आई डिडंट विन एनीथिंग, बट देन व्हाटएवर आई लर्न फ्रॉम डॉक्टर अदिति इट्स ट्रेमेंडस, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर. इस देश की बेटियों के लिए क्या संदेश है? इस देश की बेटियों के लिए यही संदेश है कि अपने आप में विश्वास रखें और अपने सपनों को पूरा करने की चाह रखें. आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम सोनिया शर्मा है, मैं हिमाचल से हूँ, बट मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में पिछले 14 साल से रहा हूँ. तीन तीन देवियाँ सामने खड़ी है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म डॉक्टर अदिति ने रखा है फॉर ऑल द वुमेन टू बी कॉन्फिडेंट इन देयर ओन सेल्फ, और बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अपने आप में आत्मविश्वास. ऐसा लग रहा है कि राम और सीता की जोड़ी खड़ी हुई है और आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि जो आपकी धर्मपत्नी ने संघर्ष किया है, आपको परेशान भी किया वो कई बार और आज, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कुराहट देख के आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई है वो डॉक्टर अदिति जी ने जो सूत्र बांधे, क्या कहना चाहिए आज के शो को लेकर? शो काफ़ी अच्छा था और अब चाहे जीते चाहे हारे जो मर्जी हो, लेकिन मेरी नज़रों में तो मेरी वाइफ बेस्ट थी. क्या कहना चाहिए मैम? अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर, सीखने को बहुत कुछ मिला. हील में चलना आ गया, 3 inches टॉलर हो गई हूँ दिसंबर से, और बहुत कुछ पता चला मॉडलिंग के बारे में, फैशन वर्ल्ड के बारे में. ओवरऑल बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा. तो आई वांटेड टू थैंक एवरीबॉडी, नोयना मैम स्पेशली जिन्होंने हमें रैंप वॉक करना सिखाया, मिकी मेहता जी जिन्होंने हमें होलिस्टिक चीज़ें बताई, एंड डॉक्टर अदिति फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट. एंड आई थिंक इट इज़ वेरी नेसेसरी कि जो मिसेज हैं, जो मैरिड वुमेन हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे वो अपने आप को शोकेस कर सकें, अपने टैलेंट बता सकें और अपनी आवाज़ सुन सकें. आपका ये मानना है कि ऐसे शो से नारी शक्तिकरण मजबूत होता है? हाँ जी, उन्हें एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है अपने अपने टैलेंट्स को दिखाने के लिए, और उसके साथ साथ एक कॉन्फिडेंस भी. जहाँ चंदन शिवे, आई एम फ्रॉम शिकागो. अच्छा, ये बताइए आपका ये फर्स्ट टाइम था, पहले भी आपने कभी रैप शो किए? जी, दिस वॉज वेरी फर्स्ट टाइम. अच्छा, इससे पहले कभी कोई एक्सपीरियंस ऐसा किया नहीं था, बट दिस वॉज वेरी वंडरफुल. जो आज आपको प्लेटफॉर्म मिला है दीदी जी ने, जो आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है, तो आज कैसा विचार आ रहा है मन में, कैसा अनुभव हो रहा है, क्या कहना चाहिए? ये काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए. मेरा हमेशा से ख्वाब था कि मैं एक जगह पैजेंट, मॉडलिंग, फैशन ये सब कर पाऊँ, अपनी इच्छाएँ पूरी कर सकूँ, एंड आई गॉट दिस प्लेटफॉर्म. आई एम वेरी grateful to Dr. Aditi and marvelous Mrs. India team. They've done a wonderful job here. Thank you so much. किसका धन्यवाद करना चाहती हूँ? मैं definitely अपने family का धन्यवाद करना चाहूँगी, because they've been supporting me for every dream that I've pursued, every passion that I've gone for, and I'd like to thank this platform, Dr. Aditi again, for encouraging me to go forward and making sure that I participate and give a tremendous journey with wonderful mentors and
ग्रेट ट्रेनिंग। अपने आप में बड़ा महत्व रखता है क्योंकि मोदी साहब वहाँ से सांसद है और वो पवित्र स्थान है। इतने पवित्र स्थान से आप दिल्ली आई है और आप डॉक्टरी करते करते मॉडलिंग की दुनिया में कैसा आना हुआ, पहले तो इस पर रोशनी डाली। सो ये एक लाइफ टर्निंग मोमेंट है मेरे लिए। अगेन मैं डॉक्टर आदिति का तहे दिल से थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि स्टेज पे प्लेटफॉर्म पे आके आई कैन शो द अदर साइड ऑफ मी। मेडिकल डॉक्टर हो के मरीजों का इलाज करना एक अलग बात है, पर फैशन इंडस्ट्री में आके शादी के बाद में इस इंडस्ट्री में आके और कुछ डिफरेंट कर पाना, दैट इज़ होल डिफरेंट थिंग। मैं हूँ बनारस से ज़रूर, बट इंडिया में बहुत स्टेट्स घूमी हूँ एंड पिछले 6-7 सालों से मैं US में थी, अभी वापस इंडिया आई। सो मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म हर फीमेल के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो अपने आप को रिफाइन कर सके। आपके चेहरे की मुझको आर्ट बता रही है, 3-3 देवी आपके साथ खड़ी है, नारी शक्ति को आप मजबूत कर ही रही है जी। और आज का जो शो था अपने आप में एक बड़ा महत्व रखता है क्योंकि घरेलू महिलाएं लगभग अपने जीवन को उसी में खो देती है, और उनको जिस स्थान पे आपने लाए वो जो प्लेटफॉर्म आपने दिया है, क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूँगी कि मार्वलस मिसेस इंडिया ये जो पैजेंट है ये एक्चुअली सिर्फ एक पैजेंट नहीं है, लेकिन ये एक नारी शक्ति को और बढ़ावा देने के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन, एम्पावरमेंट, दिस इज़ माई मंत्र फॉर दिस पैजेंट। और मैं यही चाहती हूँ कि मैरिड वीमेन जो होती है वो अपने आप को ध्यान दे, सेल्फ केयर के लिए टाइम निकाले, एंड दीज गर्ल्स आर गोइंग टू टेक दैट मैसेज फॉरवर्ड और इंस्पायर करेंगी उनके अलग अलग देशों से हैं, एक्चुअली है इंडियन बट दे आर ऑल ओवर, एक US से है, एक UAE से है, एंड दिस इज़ फ्रॉम आमची मुंबई। सो ये मैसेज स्प्रेड करेंगी कि अपने खुद का जो आइडेंटिटी होती है तो उसे भूलना नहीं है, उसे सक्षम करना है, रखना है, ताकि आप आपका और फैमिली का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से दे पाओ। तो यही रीज़न है कि मैंने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है, एंड दीज आर माई 3 विनर्स। हमें पहले लगा कि इंडिया से ही कोने कोने से आ रहे हैं, तो आपने अंतर्राष्ट्रीय शो कर दिया है। अब अगला शो कब और कहाँ देखने को मिलेगा और क्या थीम रहेगी, वो भी क्या नारी प्रधान पे रहेगा या नारी शक्ति को लेकर रहेगा? नारी शक्ति को लेकर ही रहेगा, लेकिन मेरा जो हस्बैंड्स है, मेन है, उनसे एक बहुत बड़ी कंप्लेन है कि आपकी जो महिलाएं हैं, आपकी वाइफ्स हैं, तो उनको बढ़ावा दीजिए, क्योंकि कई सारी पार्टिसिपेंट्स ऐसी रही हमारे साथ इस टाइम पे जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, उनको बहुत मन था, उनका मन था कि वो करे, लेकिन उनके हस्बैंड्स ने, उनके फैमिलीज ने उनको सपोर्ट नहीं किया। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर उसका कोई ड्रीम है, बचपन का ड्रीम है, मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करना चाहती थी, रैंप में जाके पार्टिसिपेट करना चाहती थी, एक क्राउन पहन के प्रिंसेस बनना चाहती थी, तो उसे आप सपोर्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे हम उनको एम्पावर ही कर रहे हैं और कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो ये सबको, ऑल द मेन ऑफ इंडिया, ऑल द हस्बैंड्स, ब्रदर्स, फादर्स, आपको सबको मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उनको सपोर्ट करिए, ताकि एम्पावरमेंट के को लेके हमारा देश है वो भी आगे बढ़ सके। मैम, जितनी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया आज इस इवेंट में, उनको लेकर क्या कहना चाहिए? जो पार्टिसिपेंट्स थी उन्होंने मेरा जॉब बहुत मुश्किल कर दिया था। एक टाइम पे तो मुझे ऐसे लगा था कि मैं ये हॉल छोड़ के चली जाऊँ, क्योंकि कौन जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा, ये बहुत मुश्किल सवाल था। तो मैंने ये तो जजेस के ऊपर छोड़ दिया था, बिकॉज आई सेड आई कांट डू दिस। बहुत स्ट्रांग वुमेन है, दे हैव मैनेज देयर फैमिलीज, देयर सोशल वर्क, गिविंग बैक टू द सोसाइटी, एंड दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग बाय देमसेल्व्स, एंड दे आई वांट देम टू इंस्पायर अदर वुमेन टू टेक दिस प्लेटफॉर्म। जी नेहा जी, क्या कहना चाहेगी? और अदिति जी ने जो आज महिला शक्ति को मजबूत वो करी रही है, और घरेलू महिलाओं को जो घर में से निकाल के जो आज का मिसेज फैशन शो हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप लिया है मैम ने, क्योंकि हम मिस इंडिया तो देखते हैं, लेकिन मिसेस इंडिया में जो आती हैं वो कहीं ना कहीं उनके एक मन के अंदर एक दबी हुई इच्छा होती है, जिसकी वजह से वो अब इस मिसेस बनने की कोशिश करती हैं वो। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो मैम ने आगे देखे आई, अदिति मैम हमारे लिए, और हम फीमेल्स ही हैं जो इसको आगे और अच्छे से शोकेस कर सकते हैं। अभी ये नेशनल लेवल पे, आगे इंटरनेशनल लेवल पे मैम लेके जाएंगी, तो हमें बहुत खुश हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, हार जीत तो चलती ही रहती है, लेकिन बहुत कुछ जो हमने इस जर्नी में सीखा है
वहाँ पे बहुत आगे। मैं वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और आज घरेलू महिलाओं को जैसे नारी शक्तिकरण को मजबूत किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए आज के फैशन शो को लेकर, अदिति जी को लेकर क्या विचार है आपके? सो अदिति जी मेरी बहुत पुरानी सहेली है, शी इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, बहुत इंटेलिजेंट हैं, डॉक्टर हैं खुद भी, एंड वो हमेशा औरतों को सपोर्ट करती हैं। वो ऐसी औरतों में से नहीं है जो दूसरी औरत को नीचा दिखाएं, या आपको पता ही है बहुत सारी औरतें औरतों को खुद को सपोर्ट नहीं करती। शी इज़ नॉट लाइक दैट, वो बहुत सपोर्टिव और बहुत अच्छी इंसान है, एंड शी इज़ अ वंडरफुल डॉक्टर ऑल्सो। मैं क्या कहूँगी कि उनसे अच्छा मिस वर्ल्ड रह चुकी है, शी इज़ ब्यूटिफुल, तो उनसे अच्छा कोई ये पैजेंट करने लायक है नहीं। आई थिंक ये वेरी सून विल बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट पैजेंट्स इन द कंट्री। पहली बार जो उन्होंने किया है, आई डोंट थिंक मैंने कभी, जो लोग 20 बार भी कर चुके हैं, इतना ब्यूटिफुली ऑर्गेनाइज मैंने कभी नहीं देखा। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू बी हियर। 22 जनवरी को राम राज्य मंदिर बनने जा रहा है, देश की ऐतिहासिक दिवाली होगी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को लेकर आपके अपने क्या विचार हैं? देखिए, बेटियाँ हमारे आगे की माएँ हैं, हमारे फ्यूचर की माँ बनेंगी, उनको अगर हम संभालेंगे तो हमारे आगे की जो पुश्ते हैं, जो हमारे आगे की जनरेशन्स हैं, उनको संभालने के लिए हमें पहले औरतों को संभालना है। बिकॉज अच्छी माएँ जो होती हैं वो अच्छे बच्चे पैदा करती हैं, अच्छी सीख देती हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव प्रोटेक्टेड गुड वेमेन हु आर स्ट्रॉन्ग, हु आर एंटरप्राइजिंग, हु वॉन्ट टू ग्रो एंड हु वॉन्ट टू डू वेल। सो आज मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति पे क्या संदेश देना चाहिए? तो मकर संक्रांति पे बोलते हैं मीठा मीठा बोलिए, तो दुश्मनियाँ कम करिए, झगड़े कम करिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, जितने अच्छे आपके विचार होंगे उतनी ही अच्छी एनर्जी आप अपने आप पे अट्रैक्ट करेंगे, और हमारी कंट्री वैसे ही बहुत सक्सेसफुल हो रही है, वी आर डूइंग सो वेल, सो लेट्स ऑल स्टे हैप्पी और न्यू ईयर में बहुत खुशियाँ मनाइए। आई होप दिस इज़ अ एक्सट्रीमली प्रॉस्परस एंड सक्सेसफुल ईयर फॉर ऑल ऑफ यू, लॉट्स ऑफ लव। वो जो वेशभूषा थी वो बड़ी अच्छी थी, और सबकी वेशभूषा आपने ही तैयार करी लगभग। और आज की जो आप कुर्सी थी वो बड़ी मुश्किल कुर्सी पे आप आज आपको बिठा दिया, जज की कुर्सी पे आप दुविधा में पड़ गई, एक से एक महिलाएं जितनी थी सब खूबसूरत थी और सबने बड़ी मेहनत भी की थी, तो क्या कहना चाहिए, कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या संदेश है महिलाओं के लिए? लोग ये प्लेटफॉर्म बनाया ही इसलिए गया है कि जितनी भी मैरिड वुमेन है वो स्टेज पे आए और अपना जो टैलेंट है अपने आप को वर्ल्ड को प्रेजेंट करें। सो आदिति इज़ अ वेरी क्लोज एसोसिएट, सो शी हैज़ बीन इन द पेजेंट इंडस्ट्री फ्रॉम सो मैनी ईयर्स एंड शी इज़ बीन अ मिसेस वर्ल्ड, सो शी पुट टुगेदर ऑल दिस थॉट ऑफ ब्रिंगिंग द बेस्ट वुमेन फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड ऑल द कंट्री, इवन देयर वर पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम US, तो हर जगह से, दुनिया के हर कोने से लड़कियाँ यहाँ आई, शॉर्टलिस्ट हुई और उन्होंने अपना टैलेंट और अपनी खूबसूरती से दिखाया अपना जो भी आज का शोबिज था। बट इट वॉज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट ज्यूरी डिसीजन टू सी हु इज़ द विनर, बिकॉज इतना टफ कॉम्पिटिशन था, पहले पूरे वर्ल्ड में से, पूरे इंडिया से वो 25 कंटेस्टेंट्स इकट्ठी करी गई, उसके बाद वी हैड टू डिक्लेयर 5 विनर्स, बट अदिति एंड मिसेज मार्वलस इंडिया हैज़ डन अ ब्यूटिफुल जॉब। दो आई हैव बीन अ फैशन डिज़ाइनर, मैंने सबके कपड़े बनाए हैं, बट लड़कियों का कॉन्फिडेंस विद देयर क्लोथ्स वॉक एंड एवरीथिंग केम आउट ब्यूटिफुली, सो वी विल लाइक दैट और गर्ल्स ऐसे पेजेंट्स में अपनी एम्पावरमेंट के लिए अपने टैलेंट्स को दिखाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज हमारा इनॉग्रल मार्वेलस मिसेज इंडिया 2024 की शुरुआत जो हुई है बाय द वन एंड ओनली, हम सबकी फेवरेट, हम सबकी जान, रिनाउंड सुपर मॉडल, an actress and our inaugural Mrs. World Aditi Govitrikar, उन्होंने शुरू किया है ये beautiful pageant, तो मैं इतनी खुश हूँ आज, इसलिए खुश हूँ क्योंकि मुझे ये host करने का मौका मिला, and we've all been big fans of Dr. Aditi Govitrikar, and at the same time वो इतना empower करती है और encourage करती है लड़कियों को, and she being a mentor is unbelievable. So hats off to all our 22 finalists जो हमारे contestants थे आज, and at the same time हमारी inaugural queens आ गई हैं of marvelous Mrs. India 2K24. मैम, जितनी महिलाओं ने आज participate किया इस program में, जी उनको लेकर क्या कहना चाहिए?
माई गॉड दे वर ऑल माइंड ब्लोइंग. इतनी टफ थी हमारे ज्यूरी ऑन द हॉट सीट को तो बहुत मुश्किल हुई ऑन डिसाइडिंग द विनर. सो राइट फ्रॉम रितु शिवपुरी टू रीना डाका, डॉक्टर मिकी मेहता और अंजलि सानी, दे ऑल हैड अ वेरी टफ टाइम इंक्लूडिंग डॉक्टर आदित्य गोवित्रिकर की डिसाइड करें यू नो ऑन द विनर्स. एंड बहुत मुश्किल होता है स्पेशली जब मेंटोर इतनी अमेजिंग होना डॉक्टर आदित्य हो, क्योंकि शी हरसेल्फ इज अ प्रोफेशनल डॉक्टर, वन ऑफ द रिनाउंड सुपर मॉडल्स एंड प्लस द फर्स्ट लेडी जो मिसेज इंडिया जीत कर क्राउन ले आई ऑफ मिसेज वर्ल्ड. सो बहुत बहुत अमेजिंग लगता है जब उन्हीं से मेंटोरशिप और हमें ग्रूमिंग सेशंस मिलते हैं. इट इज़ एब्सोल्यूटली आउट ऑफ द वर्ल्ड. और मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर आदित्य की, क्योंकि मैं हमेशा से अदिति को कहते थे, हम सब कहते थे कि डॉक्टर अदिति आपका पैजेंट होना चाहिए, बिकॉज हाउ लकी वुड दोज कंटेस्टेंट्स बी जो यू नो जिस तरह राइट फ्रॉम वॉकिंग द रैम्प से लेकर हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ टू द क्यू एन ए, यू नो सब में एस किस तरह रहने का और एट द सेम टाइम कौन से एंगल से यू नो यू जस्ट हैव टू लुक राइट इनटू द आईज ऑफ द ऑडियंस इज ओनली टू बी लर्न बाय हर. और उन्हीं से सीखने का मौका मिले तो और क्या चाहिए. सो इट्स रियली फिनोमिनल. और ये स्पेक्टेकुलर इवनिंग थी दिल्ली के सर्दी में, ठंड में, वी वर फीलिंग हॉट इनसाइड. ये तो ठंड अभी लग रही है शो के बाद. और सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो जी, इस सवाल का जवाब हम चाहेंगे कि आप पूरी ईमानदारी से दें जी. और सवाल बड़ा ही गंभीर सवाल है कि आप इतनी खूबसूरत कैसे हैं. हाय हाय माशाल्लाह, सो काइंड. ये बहुत ही खूबसूरत सा कॉम्प्लीमेंट है, बहुत बहुत शुक्रिया. That's so kind. I mean, really, really means a lot. लेकिन आज सवेरे 5 बजे से निकली हूँ जयपुर होटल से और 6 बजे से जयपुर एयरपोर्ट पे ही थी और 6 बजे दिल्ली पहुँची हूँ बिकॉज ऑफ द डीले, फॉग की वजह से. बहुत डर था कि देर से पहुँच रही हूँ, बट बहुत बेमिसाल हो गया ये शो. और रियली इट्स एब्सोल्यूटली डिवाइन ग्रेस बाय द वे कि आपको लग रहा है कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ. इट इज़ रियली डिवाइन ग्रेस, रब की इतनी मेहर है, इतनी कृपा है मुझ पर. इट्स वेरी वेरी स्पेशल. और ये जो मेरा काम है, ये मेरी मोहब्बत है, मेरी पहली मोहब्बत है, मेरी चाहत है. इस साल 2024 में मेरे 3 फिल्म्स आ रहे हैं एंड एट द सेम टाइम राइट फ्रॉम फिल्म फेयर से लेकर आईफा तक टू ऑस्कर्स, आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दीज ब्यूटिफुल ग्रैंड सेरेमनीज जो होती हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं. सो मैं ज़रूर ज़रूर कहना चाहूँगी आप सबसे कि ये जो खूबसूरती है वो बस आपका नज़रिया है, बट आई एम ट्रूली थैंकफुल टू द डिवाइन. और मुझे सभी से इतना प्यार और इतनी मोहब्बत मिलती है क्योंकि मेरी मोहब्बत मेरा एंकरिंग है, मेरा एमसिंग है जो मैं करती हूँ. सो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दिस वेरी लवली कॉम्प्लीमेंट. और मैंने सच में गंभीरता से कहा, दिल से कहा और डिवाइन ग्रेस से कहा. शुक्रिया.